नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने विपक्षी एकता की बैठक से पहले महागठबंधन का साथ छोड़ सिर्फ नीतीश कुमार की टेंशन नहीं बढ़ाई, बल्कि पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की भी टेंशन बढ़ा दी है। मांझी के महागठबंधन से निकलने के बाद एनडीए में जाने की संभावना प्रबल है। बता दें कि पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी भी पहले से ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। चिराग पासवान के सुर भी एनडीए से ही मिल रहे हैं। संभवतः चिराग पासवान भी एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा बने। इसके अलावा केंद्र से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद मुकेश सहनी भी एनडीए के साथ ही लोकसभा का चुनाव लड़ते फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले 25 जुलाई को मुकेश सहनी एनडीए में शामिल भी हो सकते हैं। जेडीयू से बगावत करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने फिर अपनी नई पार्टी आरएलजेडी बनाई, जिसके बाद उन्हें भी केंद्र ने जेड सुरक्षा दी और उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए के साथ ही जाते दिखेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार गिरने के बाद अकेले पड़ी भाजपा के साथ बिहार की सभी छोटी मोटी पार्टियां वापस अगर आती है तो सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की तरह अब एनडीए में भी सिर फुटबॉल वाली स्थिति दिखाई दे रही है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। बीजेपी को अपने साथ साथ चिराग पारस, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच इन सीटों का बंटवारा करना है। लेकिन मांझी अगर अपनी नाव महागठबंधन के किनारे से हटाकर एनडीए के समीप खड़ी करते हैं तो सीट बंटवारे को लेकर वो एनडीए का समीकरण भी बिगाड़ सकते हैं। एनडीए गठबंधन में फिलहाल बिहार में ऑफिशियली एक दल आरएलजेपी है। चिराग की एलजेपीआर एनडीए के दरवाजे पर खड़ी है। लगभग चिराग पासवान भी एनडीए के साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले शामिल हो सकते हैं, ये लगभग तय दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी, मांझी की हम और अब देखें तो कुल मिलाकर 6 दल जो हैं एनडीए का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी के पास सभी दलों को संतोषजनक सीट बांटना एक बड़ा टास्क भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता दिखाई दे रहा है, वहीं बाकी के 5 दलों के बीच खुद को बड़ा बनाने की चुनौती भी है। इधर मुकेश सहनी खुद को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने की कोशिश करेंगे तो जेडीयू से बगावत कर अपनी पार्टी बनाने वाले कुशवाहा भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड करेंगे। इसके अलावा चाचा भतीजे की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एलजेपीआर और आरएलजेपी आपस में विलय करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही, जिसके बाद चाचा पारस और भतीजे चिराग को अपने साथ, जी हां, चाचा पारस और भतीजे चिराग के अलग अलग डिमांड को पूरा करना भी बीजेपी के लिए बड़ा टास्क है। फिलहाल देखें तो हाजीपुर सीट को लेकर भी भतीजे चिराग और चाचा पारस में जोर आजमाइश जोर शोर से चल रही है। पारस, चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी ने जो अपने हिस्से की सीट के बारे में सोच रखा होगा, जीतन राम मांझी के एनडीए में आते ही उस सोच पर असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मांझी ने महागठबंधन से राह अलग करने के बाद बिहार में सियासी उथल पुथल मचा दिया है, जिसका असर बड़ी से लेकर छोटी पार्टियों की सियासत पर साफ पड़ता दिखाई दे रहा है। पटना से संवाददाता अनिकेत की रिपोर्ट आप देख रहे थे।